एक बेसहारा महिला न्याय पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर। हरदोई शहर कोतवाली के सब्जी मंडी सदर बाजार निवासी विधवा महिला मिथिलेश एक गरीब महिला है, जिसका किसी प्रकार का कोई भी आमदनी का जरिया नहीं है। किसी तरह अपना जीवन यापन सब्जी बेचकर कर रही है, जिसका मकान बजरिया में बना हुआ है जो कि जर्जर हालत में है। अपने मकान की मरम्मत करवाने के लिए महिला ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रार्थना पत्र दिया था। महिला की मदद तो नहीं हुई, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई अवश्य हो गई। नगर पालिका प्रशासन की तरफ से एक नोटिस दिया गया है, जिसमें लिखा है कि आप अपना मकान जल्दी से जल्दी गिरवाने की कृपा करें। यदि आपने अपने जर्जर मकान को नहीं गिरवाया तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये महिला दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन इसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। मामला है पूरा, मामला ये है, हमने उत्तर प्रदेश सरकार को एक आवेदन किया था, जिसमें हमें ये लिखा था कि हमारा मकान जर्जर पोजीशन में खड़ा है, इसको बनवाने के लिए हमने उनसे सहायता मांगी, और इसके बदले में हमारे पास प्रशासन की तरफ से और नगर पालिका की तरफ से नोटिस आ रहा है कि आप मकान गिरवाने के लिए, हमने बनवाने के लिए आवेदन किया था, इसका उल्टा हो गया। तो हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, हमारे दो भाई एक्सपायर हो गए हैं, और हम चार बहनें हैं, हमारी माता जी हैं, हमारे घर में कोई पैदाइश का जरिया नहीं है, हम इसे बनवाने के लिए सक्षम नहीं हैं, ना हमको प्रशासन की तरफ से मदद मिल रही है, ना सरकार की तरफ से।